आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पे। सर अभी तो आपने क्वेश्चन नंबर 12 बोला था, मैंने कहा मैंने बाद में आइडिया चेंज कर दिया, मैंने कहा 17 करेंगे, वन बाय वन करके आपको क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा। क्या है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं 3:2 में विद कैपिटल्स ऑफ 800,000 एंड 600,000 रिस्पेक्टिवली, और कैपिटल कितनी कितनी है, 800,000 और 600,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 5% पर एनम, IOC 5% पर एनम पे एग्री हुआ है। Y is to be allowed an annual salary of ₹60,000, Y को सैलरी देंगे, which has not been withdrawn। अभी इस लाइन का कोई यूज नहीं है, इसको मत पढ़ना। Y की सैलरी 60,000 है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग Y सैलरी वॉज 2,40,000। बेटा इस लाइन को ध्यान समझना, मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, सबसे क्रूशियल पॉइंट है, बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। क्या कि अगर कभी भी आपके सामने वर्ड लिखा हो ना आफ्टर, तो इसका मतलब हिंदी में तो बाद में बोलते हैं, ठीक है, मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं वर्क डन, मतलब कि वो काम कर दिया। फॉर एग्जांपल एक बात कॉमन सेंस से सोच के बताओ, जो पार्टनर की सैलरी होती है वो प्रॉफिट में माइनस होती है या ऐड होती है, यानी जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं बाय नेट प्रॉफिट लिखते हैं, ठीक है, लेट्स से 2,00,000, तो जब मैं पार्टनर की सैलरी कर रहा हूँ डाल रहा हूँ इधर डेबिट साइड में, तो वो प्रॉफिट रिड्यूस कर रही है इंक्रीज कर रही है। अब झट से बोलोगे सर प्रॉफिट रिड्यूस ही कर रही है, ये तो सर हम आपको कॉमन सेंस से पता है, लेट्स से 50,000। तो अगर मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट आफ्टर वाई सैलरी, इसका मतलब वाई की सैलरी माइनस करने के बाद प्रॉफिट आपका इतना बचा है। पॉइंट क्लियर, क्योंकि ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, यानी वो काम हमने कर दिया। और अगर कभी लिखा हो बिफोर, तो बिफोर का मतलब होता है अभी वो वर्क नहीं किया पहले, यानी वर्क नॉट डन। मैं इसको कुछ एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन पे वापसी आऊंगा। फॉर एग्जांपल मान लो मेरा प्रॉफिट से भी पहले हम सैलरी रख लेते हैं, मान लो सैलरी है पार्टनर की, एक ही सैलरी है 50,000। अब मेरे को बोला है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही सैलरी डिडक्ट करने के बाद कितना प्रॉफिट बच रहा है, 4,00,000। अब कॉमन सेंस सोच के बताओ, एक ही सैलरी डिडक्ट करने से पहले कितना प्रॉफिट रहा होगा, 4,50,000। यू विल से सर 4,50,000, कैसे 4,00,000+50,000, ये तो करा होगा राइट। अब मैंने बोला प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग ए सैलरी 4,00,000, एक ही सैलरी माइनस करने से पहले पहले, यानी अभी तक एक ही सैलरी माइनस नहीं करी, तो बताओ एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ। आप में से कई बच्चे हो सकता है बोले 4,50,000, और हो सकता है कई बच्चे बोले 3,50,000, तो दोनों के आंसर गलत है, एक्चुअल प्रॉफिट आपका 4,00,000 ही हुआ बेटा। सर क्यों, मैंने आपको क्या बोला, बिफोर का मतलब अभी तक वो काम नहीं करा, माइनस नहीं करा। ओके अब क्वेश्चन पे आते वापसी, तो क्वेश्चन ने क्या कहा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं करी गई प्रॉफिट में से, बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी वॉज 2,40,000। वाई की सैलरी माइनस करने के बाद प्रॉफिट कितना है, 2,40,000 राइट। ओके तो यानी आपका एक्चुअल प्रॉफिट क्या रहा होगा, वाई की सैलरी से पहले कितना प्रॉफिट रहा होगा आपका, प्रॉफिट बिफोर वाई सैलरी, कितना हमारा 2,40,000 राइट, 2,40,000 प्लस
60,000 यानी 3 लाख माइनस करने के बाद इतना बचा था, तो बिना माइनस करे 3 लाख रहा होगा। अब मैं यहां पर नेट प्रॉफिट 3 लाख ही लिखता, बट वेट, इससे पहले पॉइंट है छोटा सा, क्या अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। 5% का प्रोविजन बनाना है किसके लिए, मैनेजर की कमीशन के लिए। बेटा जरा फोकस करना, मेरे को ये बताओ मैनेजर की कमीशन किधर आती है, पीएनएल अकाउंट में या पीएनएल एप्रोप्रिएशन में? याद ही होगा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सिर्फ 4 आइटम आती है, उसके अलावा बाकी सारी की सारी पीएनएल अकाउंट में आती है। याद है आईओसी, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, इन चारों के अलावा बाकी सारे आइटम्स पीएनएल अकाउंट की है। तो मैनेजर कमीशन भी कहाँ की है, प्रॉफिट एंड लॉस की, राइट। वापसी आते हैं, तो 5% का नेट प्रॉफिट मैनेजर कमीशन के लिए बनाना है। तो निकाल लेते हैं मैनेजर की कमीशन कितनी हो जाएगी, मैनेजर की कमीशन 3 लाख का 5% यानी 15,000। तो अब बताओ मेरा नेट प्रॉफिट कितना रह गया, 3 लाख था, 3 लाख में से 15,000 तो मैनेजर की कमीशन जाएगी, तो फाइनली प्रॉफिट कितना बचेगा, 2,85,000। ये इसमें कैच था, बाकी क्वेश्चन तो अब नॉर्मल है पूरा। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं मेरे सामने, कि कैपिटल 8 लाख, 6 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो डाल देते हैं आईओसी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई का 5%, 40,000 और 30,000, ये आ गया 70, और कुछ देने, y की सैलरी 60,000, और कुछ है नहीं, तो y सैलरी 60,000। फाइनली टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई टू लाख 85 कितना आ रहा है मेरा, ये 155 ही आ रहा है, तो 3 से 2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आपका ये हो जाएगा 93,000, 62,000, ये आपका पॉइंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा क्वेश्चन नंबर 19, रिमाइंड सीमा वाला क्वेश्चन है, बट उसको कराने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं याद दिलाना चाहूंगा। नोट, आओ बेटा इसको समझते हैं ध्यान से। आईओसी सैलरी कमीशन ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के केस में अलाउड होगी, आईओसी सैलरी कमीशन आर टू बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ प्रॉफिट ओनली, यानी सिर्फ प्रॉफिट के केस में अलाउड होगी, यानी अगर लॉस हुआ तो ये हम नहीं देंगे। इट मींस अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड अदरवाइज आईओसी सैलरी कमीशन
reserve are not allowed in case of loss. यानी अगर loss हुआ तो ये नहीं देनी जब तक कुछ और ना कहा जाए. Until and unless stated otherwise का मतलब यही होता है जब तक कुछ और ना कहा जाए. Hint दिया question number 19 के लिए. एक छोटा सा hint और देना पड़ेगा मेरे को क्या कि अगर date of drawings नहीं given, if date of drawings is not given, then we will calculate, then we will calculate interest on drawing for 6 months. अगर date of drawings नहीं दी हुई तो IODM 6 महीने के लिए calculate करते हैं. Hint दिया remind सीमा के लिए. अटेम्प्ट करके दिखाए राइट नाउ. तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं. क्या कहते हैं क्वेश्चन 19? रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली. रीमा और सीमा पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स इक्वली शेयर कर रहे हैं. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच. पार्टनरशिप कह रही है रीमा और सीमा को सैलरी मिलेगी 15,000 रुपए महीना. क्या बात है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट 5% पर एनम. आईओसी मिलेगा 5% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज एट 10% पर एनम. और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज होगा 10% पे. यहाँ तो कोई इशू नहीं होगा. देयर कैपिटल्स वर 5 लाख ईच. उनकी कैपिटल कितनी थी 5-5 लाख एंड ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000 ईच और ड्रॉइंग्स थी 60,000 रुपए. ओके कोई इशू भी नहीं अभी तक. बट अब यहाँ पर है द फर्म इनकर्ड नेट लॉस ऑफ ₹1 लाख. फर्म ने 1 लाख रुपए का घाटा खाया. इसलिए मैंने कहा था क्या बात है कि बेटा फर्म घाटा खा रही है सैलरी की बात हो रही है. अब खुद सोच के बताओ सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं मिलेगा. ये बस इसमें कैच था. आइए क्वेश्चन अब जरा पूरा देखिएगा. बाय नेट प्रॉफिट. ये नहीं लिखना कहीं उठा के नेट प्रॉफिट लिख दो. कई बच्चों की मिस्टेक होगी 1 लाख लिख देंगे. टू नेट लॉस. सर अब मैं आपको एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है. हो सकता है आपके टीचर्स बोले कि बेटा लॉस के केस में हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते. बेटा मैं आपको बता दूँ ये पॉइंट बिल्कुल गलत है. लॉस के केस में भी हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं. टू नेट लॉस 1 लाख. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा, सैलरी नहीं आएगी, बट लास्ट हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा. बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना रीमा और सीमा का 6 मंथ्स का. सर ऐसा क्यों? अभी तो बताया जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की डेट ना हो तो हम 6 मंथ्स का लेके चलते हैं. क्या पे दिया हुआ है ड्रॉइंग्स कब करी है? नहीं दिया तो कितना हो जाएगा बेटा 60,000 का 10% 6 मंथ्स के लिए. तो आपका आ जाएगा 3,000 यानी 6,000. अब फाइनली बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. रीमा सीमा 94,000 47,000 1 लाख. ये पॉइंट है. अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 20.